हेलो फ्रेंड्स, समर में ना बहुत सारी चीज़ों के जूस पीने मिलते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में हमें जो भी चीज़ें मिलती है वो हमें बहुत पसंद आती है, क्योंकि इससे हमारी प्यास भी बुझाती है और हमें अंदर से ठंडा भी रखती है। और इस समय सबसे स्पेशल होता है लस्सी और मैंगो जूस। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया जाए। तो मैंने आज सोचा चलो आज लस्सी बना लेते हैं, वो भी मैंगो वाली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो लस्सी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ले लेने हैं कुछ मैंगो। मैंने यहाँ कुछ मैंगो ले लिए हैं, अब इन्हें अच्छे से हमें पील कर लेना है। मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था और इन्हें आधा घंटा पानी में भी रख लिया था, ताकि इसके अंदर की जो गर्मी है वो निकल जाए। हमें ऐसा इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि मैंगो के अंदर अपनी खुद की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर हम ऐसे ही खाते हैं तो हमें पिंपल्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको पिंपल्स नहीं चाहिए तो आप इन्हें पहले आधा घंटा पानी में सोक करने रख दीजिए, उसके बाद ही इनका यूज़ कीजिएगा। ऐसे ही हमें और भी मैंगो को पील कर लेना है। इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे। उसके बाद हम और भी मैंगो को पील कर लेंगे। यहाँ मैंने बहुत सारे मैंगो को पील कर लिया है। अब इसे हमें एक जार में कट करते हुए डाल देना है। यहाँ मैंने एक जार ले लिया है। अब इन मैंगो को मैं इसमें कट करके डाल दूंगी। मैंगो को कट करना भी एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि ऐसे स्लिप होते हैं हाथों से। ऐसे ही हमें मैंगो को कट कर लेना है और भी मैंगो को इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने कुछ मैंगो को कट कर लिया है। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे, जिसे हम कर्ड भी कहते हैं। साथ ही हम 3-4 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर पीसी हुई शुगर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, और टेस्ट के हिसाब से ही आप इसमें शुगर ऐड करें। मैंने जो मैंगो लिए थे वो काफ़ी मीठे थे, इसलिए मैंने इसमें कम शुगर ऐड किया। आप चाहें तो इसमें और भी शुगर ऐड कर सकती हैं, अगर आपने जो मैंगो लिया है वो कम मीठे हैं तो। अब इसमें हम थोड़ी सी आइस क्यूब डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने एक ग्लास ले लिया है, इसमें हम थोड़े से मैंगो के क्यूब डाल देंगे जो मैंने पहले से कट करके रख लिए थे। अब हम इसमें मैंगो लस्सी डाल देंगे। अब इसके ऊपर से हम फिर से जो मैंगो के क्यूब्स हैं वो डाल देंगे, जिससे इसकी गार्निशिंग हो जाए, और एक मिंट लीव्स भी लगा देंगे जो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो लीजिए, हमारी मैंगो लस्सी बनकर के रेडी हो गई। तो देखिए, मैंगो लस्सी बनाना कितना ईजी था। तो एक बार आप जिससे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह कैसी लगी। थैंक यू।